सोनाली फोगाट मर्डर केस में एक नया खुलासा। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस ने एक नया खुलासा कर दिया है। गोवा पुलिस का कहना है कि आरोपी सुधीर सांगवान सोनाली का एक फार्म हाउस 20 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। वह उस प्रॉपर्टी को हर कीमत में कब्जे में लेना चाहता था। महीने के सिर्फ 5,000 रुपए देकर वह इस डील को फाइनल करने के प्लान में था। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस 6.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ के बीच है। सुधीर सांगवान वही शख्स है जिस पे सोनाली को ड्रग देने का आरोप है। गोवा पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली को नशीला पदार्थ दिया जा रहा है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सोनाली को कहीं लेकर जाया जा रहा है। इस वीडियो में सोनाली की हालत बेहद ही खराब दिख रही है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही है। जांच में सुधीर ने ये बात कबूल कर ली है कि सोनाली को ड्रग्स दिए गए थे। अब उसी वजह से उसकी मौत हुई है या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए सुधीर और उसके साथ ही सुखविंदर और ड्रग्स डीलर रामा को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आयान टीवी।